Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बोगियां पटरी से उतर गईं, कश्मीरी सरापा एहतजाज, डिजिटल मरदमशुमारी मंजूर होगी या नहीं, 150 साल कदीमी मुजस्मा टूट गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहां आपको बताएंगे, पड़ीदन के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की दो बोगियां पटरी से उतर गई, अब ट्रैक बंद हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। कराची से पंजाब जाने वाली दीगर ट्रेन को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। बोगियां ट्रैक पर रखने के लिए रिलीफ ट्रेन रोहड़ी से रवाना कर दी गई है। आपको बताएं, पड़ीदन के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की दो बोगियां पटरी से उतर गई, अब ट्रैक बंद हो गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। कराची से पंजाब जाने वाली दीगर ट्रेन को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बोगियाँ ट्रैक पर रखने के लिए रिलीफ ट्रेन रोहड़ी से रवाना कर दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे, मुश्तरका मफादात काउंसिल का 50वां इजलास आज दिन 12 बजे होगा। सीसीआई में 7वीं मर्दमशुमारी की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। सीसीआई की मंजूरी के बाद डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होगा। ज़राए के मुताबिक डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाएगा, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन 4 से 6 माह में नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद होगा। नई हलका बंदियों के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। हुकूमती इत्तेहाद ने सरकार की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के फैसले पर शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया है। हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद के नाम ज़ेर गौर हैं। नून लीग ने हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भी 5 नाम भिजवा दिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों ने मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ को सरकार की जानिब से फैसले का इख्तियार दे दिया। पीडीएम और पीपल्स पार्टी का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने मुशावरत की। हुकूमती इत्तेहाद ने हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भौतानी, फवाद हसन फवाद और दीगर नामों पर गौर किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ कोई भी नाम फाइनल कर सकते हैं। नून लीग ने हतमी मंजूरी के लिए 5 नाम भी नवाज शरीफ को भिजवा दिए। वज़ीर आज़म के साथ इत्तेहादियों के इजलास में नई मर्दमशुमारी और असेंबलियों की तहलील पर भी मुशावरत हुई। इत्तेहादियों ने 9 मई को असेंबलियां तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। इत्तेफाक हुआ है कि मर्दमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल जो भी फैसला देगी कबूल होगा। दुआ है हुकूमत की मुद्दत के बाद इद्दत ना शुरू हो जाए। एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क जाली इंतखाबात, हलका बंदियों, दो नंबर जमहूरियत का मुतहमल नहीं हो सकता। वजीर आजम ने निगरान सेटअप के लिए नाम मांगे, मुशावरत के बाद जरूरी समझा तो नाम देंगे। अल्लाह ताला 9 अगस्त को एक बार फिर पाकिस्तान की ऐवान अपनी मुद्दत को पूरी करेंगे और हमारी दुआ यह है कि इस मुद्दत के पूरी होने के बाद इद्दत का दौर शुरू ना हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि मस्नूई इलेक्शन हो, मस्नूई मर्दमशुमारी हो, मस्नूई वोटर लिस्ट हो, जाली हलका बंदियाँ हो। पाकिस्तान दो नंबर जमहूरियत का मुतहमल नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का आइन, कानून, अदालतें, रियासत, इंतज़ामिया इस दफ़ा सिंध के शहरी इलाकों में उनके असल बैंडेड को उनसे चुराने का कोई इकदाम नहीं करेंगे। एक ऐसे इंतखाबात को जो सबके लिए काबिल कबूल हो, शफाफ, गैर जानिबदार, हकीकी असली इंतखाबात।
हम इलेक्शन में एक दिन भी ताखीर नहीं चाहते। अगर निगरान हुकूमत ने अपनी मुद्दत में इजाफे का सोचा तो भरपूर मुजाहमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराज अहमद ने खबरदार कर दिया। गुजरांवाला में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आज शहबाज शरीफ मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहता है। मजीद क्या कहा अभी जान लीजिए। जमात इस्लामी चाहती है कि एक दिन के लिए भी इलेक्शन डिले ना हो। अगर हमने महसूस किया कि निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत में इजाफा करना चाहती है तो सबसे पहले वो होंगे, जमात इस्लामी होगी हमारे हाथ और इन जालिमों के गिरेबान होंगे। शहबाज शरीफ कहता है जल्द इलेक्शन नहीं होना चाहिए और मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करना चाहता है। ये आवाम का सामना नहीं कर सकते, ये गलियों और कूचों में जाएंगे, लोग इन पर गंदे अंडों की बारिश करेंगे। यही वजह है कि पीडीएम चाहता है कि इलेक्शन ना हो। सिंध में निगरान सेटअप के लिए ओपोजिशन जमातों की दूसरी बड़ी बैठक आज होगी। जीडीए का वफ्द आज 3 बजे एमकेएम के मरकज बहादुराबाद जाएगा। जराए के मुताबिक निगरान वजीर आला सिंध के लिए नामों पर मुशावरत की जाएगी। यहाँ आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुलजमान को अपील का हक देने पर गौर जारी है। अटॉर्नी जनरल मुलजमान के ट्रायल के हवाले से आइंदा समाअत पर आगाह करें। अदालत ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होंगे। तवक्को है अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। केस की मजीद समाअत बेंच की दस्तियाबी पर होगी। कराची के इलाके जोहराबाद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 में होने वाली डकैती की फुटेज सामने आ गई है। जुमे की शाम दो मुसलह मुलजमान ने असलहे के जोर पर आउटलेट का सफाया किया और मुसलह मुलजमान ने आउटलेट पर मौजूद शख्स की पहले तलाशी ली और कैश काउंटर पर मौजूद नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। फुटेज में मुलजमान के चेहरे वाज़ह तौर पर नजर आते हैं। कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए जीआईटी बना दी गई है। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अहमद सरबरा होंगे। टीम में आईएसआई और आईबी का अफसर भी शामिल होगा। एसएसपी सीटीडी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी टीम में शामिल हैं। मुलजिमा सोमिया आसिम अब तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुई हैं। मुलजिमा ने 7 अगस्त तक हिफाजती जमानत ले रखी है। लाहौर के जनरल अस्पताल में रिजवाना का इलाज जारी है। हालत ताहाल तशवीशनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की मुतादिद हड्डियां तोड़ी गई हैं, जिस्म पर जख्मों के बेशुमार निशानात हैं। कमसिन रिजवाना ताकत के नाजायज इस्तेमाल का शिकार हुई हैं। इस केस में अब तक सुमोटिव क्यों नहीं लिया गया? सेनेटर शहरी रहमान ने ऐवान बाला में रिजवाना के लिए आवाज उठा दी, कहा कि आईसीयू में बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रिजवाना के साथ बर्बरियत सिविल जज के घर में हुई है, यहाँ जंगल का कानून नहीं है। रिजवाना कमजोर है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। वक्त एक लड़की है जो नाबालिग है और उसका नाम रिजवाना है, वो नाजायज लोगों के ताकत के इस्तेमाल का, एक सिविल जज की ना उनकी फैमिली के ताकत के इस्तेमाल का शिकार है। तब हर चीज़ का सुओ मोटो लिया जाता है, नोटिस लिया जाता है। तो जब अपने घर से कोई इस तरह अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है तो ये कहाँ का इंसाफ है? चेयरमैन साहब, क्यों नहीं अपने घर में पहले देखा गया है और क्यों नहीं? मैं आपके तवसत से गुजारिश करती हूँ कि ये ना किया जाए कि प्रोटेक्टिव बेस दे दी गई हैं। उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि वो ताकतवर नहीं है, तो क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा? ये बर्बरियत और सबके सामने बर्बरियत होती है, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करी है। इसमें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कर देना चाहिए। खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां खवातीन के कपड़ों की लूट सेल के दौरान गोलियां चल गईं। कपड़ों की दिलदादा खवातीन की बड़ी तादाद ने स्टोर पर धावा बोल दिया। रैक से कपड़े देखते हुए खवातीन आपस में लड़ पड़ी, तकरार मारपीट तक जा पहुंची। दुकान मैदान जंग बन गई, जबकि खवातीन के मर्द रिश्तेदार भी लड़ाई में कूद पड़े, एक दूसरे पर लातों मुक्कों घूसों की बारिश कर डाली। इसी दौरान एक शख्स ने पिस्तौल निकालकर गोलियां भी चला दी। हवाई फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम को स्टोर इंतजामिया ने काबू किया। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कच्चे के इलाके में पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां ना थम सकी। कंधकोट में तुंगवानी के करीब हेड मुहर्रर थाना शबीर आबाद मोहम्मद शुबान झुकरानी ड्यूटी से वापस आते हुए मुबैना तौर पर लापता हो गए और अहले खाना ने गुमशुदगी की तस्दीक करते हुए बताया कि गुज़श्ता शाम से राबता नहीं हो रहा, मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। हमें शक है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने मुबैना गुमशुदगी के इतला मिलते ही तुंगवानी और मुल्हिका कच्चे के इलाके की जानब जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है। इस मौके पर दीगर थानों से भी भारी नफरी तलब कर ली गई है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात गए बादल बरस पड़े। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, गुजरांवाला और रहीम यार खान में भी बारान रहमत बरसी। थरपारकर, बदीन और खैरपुर में भी बरसात हुई। क्रक में भी तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी आज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में आज भी मौसम अबर आलूद रहेगा। शहर में बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। भारत में दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शिरकत ताहाल सिक्योरिटी से मशरूत है। पाकिस्तान का आला सतही वर्ब सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए भारत जाएगा। जरा के मुताबिक सिक्योरिटी वर्ब की रिपोर्ट की रोशनी में कौमी क्रिकेट टीम को भारत भिजवाने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत सिक्योरिटी वर्ब तश्कील देगी जिसमें मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान शामिल होंगे। 2016 में T20 वर्ल्ड कप से कब भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी का वर्ब भारत गया था। नॉर्वे में पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर्स की धूम, टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ब्रिमेंस क्लब को 0-2 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से ये गोल आबिद अली और अब्दुल वहाब ने किए। पाकिस्तान फाइनल में 16 फुटबॉल क्लब से मुकाबला करेगा। और चीन में तेज रफ्तार कार मेन रोड पर पड़ने वाले कई फिट गहरे गड्ढे में गिर गई है और वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो अकब में आने वाली दूसरी कार के डैशबोर्ड गेम से बनाई गई है। वाकई में ड्राइवर महफूज रहा। इटली में जर्मन सयाहों ने 2,18,000 रुपये मालियत का मुजस्मा तोड़ दिया। सयाह एक विला में मौजूद 150 साल पुराने मुजस्मे के साथ तस्वीर बना रहे थे कि मुजस्मा नीचे गिर गया। मुजस्मा जमीना नामी खातून का है जिसने अपनी ज़िंदगी विला की हिफाजत के लिए वक्फ कर दी थी। और आखिर में आपको बताएं कि खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आपस में लड़ पड़े। हॉलीवुड एक्शन फिल्म किंग ऑफ द किलर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 सितंबर को सिनेमाघरों के ज़ीनत पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीर आजादी की अलामत हुस्न का आईनादार फिक्रो नजरिए की अक्कास सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।